हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के मजेदार वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाइपर ब्लेड्स के बारे में। कभी वाइपर ब्लेड को चेंज करना चाहिए, कौन से टाइप के वाइपर ब्लेड आते हैं, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे कि वाइपर ब्लेड क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि यूरोपियन कंट्रीज में जो फिटनेस लॉ होता है उसके अंदर वाइपर जो विंडस्क्रीन होता है उसका काफी इम्पोर्टेंस होता है। विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। मान लो आपके वाइपर ब्लेड अगर डैमेज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो आपके विंडस्क्रीन को भी डैमेज करते हैं, तो टाइम टू टाइम आपने वाइपर ब्लेड को रिप्लेस करना ये कंपल्शन होता है, तो आपका विंडस्क्रीन का विजिबिलिटी ये क्लियर रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम आईडी है हमारा क्विक फिक्स इंडिया, जहां पे हम लोग काफी स्टोरीज अपलोड करते रहते हैं, काफी पोस्ट अपलोड करते हैं कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड, तो वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में देखते हैं दोस्तों कौन से टाइप के वाइपर ब्लेड्स आते हैं, उसके बाद देखते हैं कब वाइपर ब्लेड को चेंज करना चाहिए और कैसे चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तीन टाइप के दोस्तों वाइपर ब्लेड्स आते हैं। एक जो होता है वो फ्रेम वाला आता है, जहाँ पे मेटल फ्रेम, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, इसको फ्रेम है मेटल, और एक फ्रेम लेस करके आता है, और एक दूसरा आता है प्लास्टिक फ्रेम के साथ में। तो ये जो है ये मेटल फ्रेम है, ये है फ्रेमलेस है, और ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये है प्लास्टिक फ्रेम वाला। तो प्लास्टिक फ्रेम जो होता है वो लाइट होता है वेट में, मेटल फ्रेम जो होता है थोड़ा हेवी होता है, और जो फ्रेमलेस होता है वो काफी रबर का ही होता है, वो भी काफी लाइट होता है। जो रबर फ्रेम वाला आता है, जो फ्रेमलेस आता है, उसके अंदर जो वेट है उसका यूजुअली कम होता है, उसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। रबर की क्वालिटी मोस्टली सब में सेम होती है। दोस्तों, आप फ्रेम के साथ में अभी मान लो कहीं ऑप्शन आपको मिलते हैं कि जहाँ पे खाली वाइपर ब्लेड का जो रबर है वो भी चेंज करने के ऑप्शन रहते हैं, लेकिन दोस्तों वाइपर ब्लेड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होते, काफ़ी सस्ते होते हैं, तो टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पर आप उसको फ्रेम के साथ ही रिप्लेस कर दो, यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये छोटी छोटी लाइंस आ रही है यहाँ पे, तो ये लाइंस आनी नहीं चाहिए, और लाइंस अगर आती रहेंगी तो कहीं ना कहीं बारिश में आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं दिखेंगी, ये लाइंस आपको हमेशा तकलीफ देंगी। तो जब भी लाइन आना शुरू करे तभी आपने ये वाइपर ब्लेड को चेंज कर देना चाहिए। तो अभी मेरी कार में लाइंस आना चालू हो गई है, तो अभी इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस का प्रोसेस है काफ़ी सिंपल। तो ऐसी लाइन वगैरह आ रही है, या आपको कहीं पर यहाँ पर कॉर्नर पर डैमेज वगैरह दिख रहा है, यहाँ से अगर निकल गया आपका, या कुछ टच हो रहा है मेटल पार्ट ग्लास के ऊपर, तो तुरंत ही उसे आप रिप्लेस कर दीजिए वाइपर ब्लेड को। काफ़ी सिंपल है, इसको खोलने के लिए पहले आपको वाइपर को उठाना है यहाँ पे, और वाइपर को उठाने के बाद में इसको कोड़ना है क्रॉस, देख सकते हो ये जो है क्लिप, ये क्लिप को आपको दबाना है और इसको पुश करना है नीचे में, तो ये लॉक खुल जाएगा। श्योर करिए ये जो है ये ईजिली आप इसे नीचे रखो, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे ऊपर रख गया और नीचे अगर ये आम चला गया तो कांच टूटने के चांसेस होते हैं। ये लोखंड होता है, इसमें स्प्रिंग रहता है, काफ़ी ज़ोर से उसका इम्पैक्ट हो सकता है, तो कांच टूटने से बचाने के लिए आपको धीरे से इसको नीचे रख देना है। अब ये क्यों चेंज कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन जा रही थी आपने देखा था। इसको उठा लिया है और ये जो यू क्लिप है इसको अंदर डाल दिया है, और आपने इसको फिट कर देना है। वाइपर ब्लेड ऐसा आता है, आप जैसे खोले तो ये क्लिप को आपने सीधा कर देना है, इसको यहाँ से गैप में से डालना है, और आपका यू क्लिप है इसमें आप उसको फंसा दीजिए, काफ़ी इजी है फंसाना। ये क्लिप को आप फंसा देंगे, ऑटोमेटिकली अंदर चला गया, ये हो गया टाइट। खोलना है इसको, प्रेस करना है और नीचे प्रेस करना है, ये खुल गया, और फिटिंग करने के टाइम पे इसको खींच लिया बाहर, ये लग गया, साइड में कर दिया उसको आपने, छोड़ दिया, तो आपका नया वाइपर ब्लेड रिप्लेस हो गया। तो सेम आपको छोटे के लिए करना है। दोनों साइजेस जो है वो अलग अलग होती है, हर वाइपर ब्लेड का साइज़ अलग होता है। वाइपर ब्लेड पे भी लिखा होता है कौन से गाड़ी में ये लगता है, अगर तो भी आपको अगर पता नहीं है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कौन से गाड़ी में कौन सा वाइपर ब्लेड जाता है, तो आपको ये इनका इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आपको साइजेस रहते हैं वाइपर ब्लेड में। अब ये जो है ये 24 इंच का है, और साइड का जो है ये 18 इंच का है, तो 24 का यहाँ पर बड़ा लगा है और 18 इंच का जो है वो साइड में लगेगा। तो आपको मेक श्योर करना है आपकी जो साइज़ है वो राइट हो। मान लो अगर वाइपर ब्लेड छोटा आता है तो कुछ पार्ट जो है वो क्लीन नहीं होगा, और बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वो टच करेगा दूसरे वाइपर ब्लेड से। तो निकाल के रख देते हैं, ऊपर से खोलना है, ये खुल गया अपना, ये जो छोटा वाइपर ब्लेड है, प्रोसेस सेम है। आप देखो एक छोटा सा क्लिप दिया है, इसको प्रेस करना है, ये नीचे आ जाएगा, ईजीली है, सिंपल खुल गया। आपको टाइट करना है, इसको खींच लिया वापस टाइट हो गया, ये छोटा सा क्लिप है, इसको प्रेस किया ये नीचे आ गया, और आपका वाइपर ब्लेड निकल गया। मेक श्योर करिए इसको होल्ड करके रखिए, क्योंकि नीचे गिरना नहीं चाहिए। सेम प्रोसेस है फिटिंग का।
मान लो अगर आप बड़ा वाइपर ब्लेड डालते हैं तो क्या होता है ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो इसमें हमने बड़ा वाइपर ब्लेड डाला है, यहाँ पे देखो ये वाइपर ब्लेड इससे थोड़ा बड़ा है, और बड़ा वाइपर ब्लेड मैं डालूंगा तो यहाँ पे टच होगा, जब भी वाइपर चालू होगा ये यहाँ पे डैमेज होना शुरू करेगा, यहाँ से डैमेज होना शुरू करेगा क्योंकि इसको टच हो रहा है और यहाँ पे भी इसको टच हो रहा है, तो जब भी एक साथ में घूमेंगे एक मेक को लगेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों वाइपर ब्लेड खराब हो जाएंगे। तो मेक श्योर करना है आप राइट साइज डालें। ये मैंने आपको डाल के दिखाया कि बड़ा डालने के बाद में क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसको वापस निकाल देंगे हम लोग, काफ़ी ईजी है निकालना। ये क्लिप दबाया, इसको नीचे कर लिए, ये निकल गया, ये धीरे से रख दिया। ये दोस्तों जो वाइपर ब्लेड्स है इसके रबर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, आप अगर मारुति में वगैरह जाओगे तो ये आपको रबर भी बेचते हैं, तो आप ये सेम फ्रेम का यूज़ करके खाली रबर चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये पूरा ही डाल दीजिए, क्योंकि बहुत से बार ये जो क्लिप्स है ये थोड़ी लूज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं डैमेज होने के चांसेस होते हैं विंडस्क्रीन को। काफ़ी ईजी होता है इसे निकालना भी, बहुत से बार ऐसा धूल मिट्टी जो रहता है दोस्तों ये रहता है, हमेशा आप मेक श्योर करिए कि इसे रेगुलर इंटरवल पे क्लीन करते रहिए। ब्लेड के साथ में जो फ्लूड है, जो पानी होता है, उसके अंदर हमेशा एक विंडस्क्रीन वॉशर जो आता है, जो ग्लास क्लीनर होता है, उसका यूज़ करिए। ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है, जो वाटर स्प्लैश करता है उसके लिए आप ग्लास क्लीनर का भी एक दो स्पून ऐसे डाल दें तो ये जो विंडस्क्रीन है ये प्रॉपरली क्लीन करेगा ग्लास क्लीनर का। यूज़ करने का एकमात्र रीज़न ये होता है कि काफ़ी कोस्टल एरिया में जो वाटर होता है वो काफ़ी हार्ड वाटर होता है, तो कहीं ना कहीं जो रबर होते हैं इसके वो डैमेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फ्लूड अगर आप डालोगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है हार्ड वाटर को, तो आपका जो विंडस्क्रीन है ये प्रॉपर क्लीन होगा। क्लीनर डालने के बाद में थोड़ा सोपी हो जाता है, थोड़ा इजीली ये मूव होता है, फास्ट मूव होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो वाइपर ब्लेड्स है उसकी भी लाइफ अच्छी रहेंगी। मैं दोस्तों काफ़ी जो एक्सीडेंट होते हैं ये पुअर विजिबिलिटी की वजह से भी होते हैं। अगर मान लो आपके विंडस्क्रीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस है, रात में भी आपको दिक्कत दे सकते हैं। रात में जब सामने वाले गाड़ी से आपके शीशे पे लाइट आती है तो कहीं ना कहीं वो लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है अगर स्क्रैचेस की वजह से, और आपकी विजिबिलिटी जो है वो पुअर हो जाती है, तो आपके नज़दीक के छोटे मोटे खड्डे दिखते नहीं हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी विंडस्क्रीन में अगर ज़्यादा स्क्रैचेस है तो विंडस्क्रीन को भी चेंज कर दीजिए। अपर ब्लेड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी विजिबिलिटी के लिए। तो बारिश के सीज़न में तो दोस्तों ठीक है, वाइपर ब्लेड जो है पानी निकालने का काम करते हैं। ऑब्वियसली जब आपकी गाड़ी हाईवे पे है और पानी अगर आपके स्क्रीन पे रहेगा विंडस्क्रीन पे, तो भी अगर आपका सामने से अगर आपकी गाड़ी पे लाइट आती है तो जो लाइट है वो स्प्रेड हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके वाइपर ब्लेड ये टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे चेंज होने चाहिए। बहुत बार दोस्तों आपके बिल्डिंग का वॉचमैन आपकी गाड़ी धोता है, विंडस्क्रीन के ऊपर मट्टी होती है, वो कपड़े को रगड़ रगड़ के साफ करता है, उससे भी विंडस्क्रीन पे स्क्रैचेस आते हैं। तो आप उसे कहिए कि जब भी आप विंडस्क्रीन क्लीन करते हो उसका डस्टर का यूज़ करना ज़रूरी होता है उसके लिए, तो आपके जो स्क्रैचेस है वो नहीं आएंगे, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशनरी चीज़ें हैं, ये आपकी विंडस्क्रीन की लाइफ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि आपके विंडस्क्रीन के ऊपर ज़्यादा स्क्रैचेस है, कहीं ना कहीं जब आप रात में गाड़ी चला रहे हो सामने के लाइट से एक्सपांड हो रहा है, ज़्यादा स्क्रैचेस समझ आ रहे हैं, आपकी विजिबिलिटी अगर क्लियर नहीं है, तो आप विंडस्क्रीन को चेंज कर लीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं। कहावत है नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा ही होता है, अगर आपके विंडस्क्रीन में आपको विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहेंगी तो दुर्घटना होने के चांसेस हो सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों मैं ऐसी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते रहता हूँ। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।